गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हियर इज़ अवर नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 13, मोशन एंड टाइम. इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस. यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन. मोशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, ये आप ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हो. इट कुड बी सर्कुलर और पैराडिक. वो स्ट्रेट लाइन भी होता है, सर्कुलर भी होता है, पैराडिक होता है. कैन यू रिकॉल दिस थ्री टाइप्स ऑफ मोशंस? टेबल 13.1 गिव सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोशंस. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस. नाउ सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट बुलॉक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस. पैडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. पीरियडिक मोशन ऑफ अ स्विंग. मोशन ऑफ अ पेंडुलम. सो हियर आपका सर्क्यूलर है, स्ट्रेट लाइन है, पीरियोडिक है. इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट सम ऑफ अदर्स इज फास्ट. ये कॉमन है कि कभी मोशन आपका जो है ऑब्जेक्ट आपका स्लो है, कभी फास्ट हो रहा है. सो उसका मोशन जो है वो कभी स्लो और फास्ट होगा. सो वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स. कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं वो फास्टर मूव करते हैं दूसरे व्हीकल्स से ज़्यादा. इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्टर और स्लोअर. जो सेम व्हीकल जो होता है वो कभी मूव फास्टर मूव करता है या स्लोअर मूव करता है अलग अलग डिफरेंट टाइम्स में. नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ. आपको एक लिस्ट बनानी है जिससे कि 10 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं. नाउ ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एंड फास्ट. हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट? अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है वो मूव स्लो कर रहा है या फास्ट कर रहा है? इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन. अगर व्हीकल जो है वो मूव कर रहा है रोड में सेम डायरेक्शन में, वी कैन ईजिली टेल विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर एंड देन द अदर. लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ द व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड. Now looking at figure 13.1, it shows the position of some vehicles moving on a road in same direction at same instant of time. जो 13.1 का जो figure है उसमें सारे vehicles जो है वो same road पे same direction पे move कर रहे हैं. तो उनकी position से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा vehicle जो है वो time के observation पूरा आप time में observe कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा vehicle जो है किसका मोशन जो है वो स्लो है या फास्ट है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल? विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल? कौन सा स्लो है, कौन सा फास्ट है? डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर एंड स्लोअर. जो डिस्टेंस जो दिया है और टाइम पीरियड जो दिया है उससे हम पूरा कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा व्हीकल जो है वो फास्ट है या स्लो है. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड. आप इमेजिन करो कि आप आपके फ्रेंड को सी ऑफ करने जा रहे हो बस स्टैंड पे. सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाइसिकल. अगर आपने बाइसिकल का जो पैडलिंग है वो आपने स्टार्ट कर दिया एट द सेम टाइम एज द बस बिगिंस, और उसी टाइम पर जो बस है वो मूव कर रही है आपके बाजू में से, जो है वो बस स्टार्ट हो रही है, मूव करके जा रही है. Now you can see here, this is the figure 13.1 and this is 13.2. आपको position जो है वो पता चले. So कौन सा vehicle fast है और slow है? Now move the distance covered by you after 5 minutes, you would be much smaller than that covered by the bus. आपने जो distance cover किया है 5 minutes में वो कम होगा जो bus ने जो cover किया है. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? Yes. वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड. जो फास्टर व्हीकल्स होते हैं उसकी हायर स्पीड होती है ना. 100 मीटर रेस, इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ द हाइएस्ट. वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स हैज़ द हाइएस्ट स्पीड. 100 मीटर्स की अगर स्पीड रेस होती है तो उसमें हम पता लगा सकते हैं कि किसने शॉर्टेस्ट टाइम में जो है वो कवर किया है डिस्टेंस को और उसकी स्पीड ज़्यादा है. नाउ यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड. स्पीड आपको पता ही है, फैमिलियर ही हो आप कि स्पीड होता क्या है. इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम. हमने ज़्यादा स्पीड जो है हमने इंडिकेट की है, डिस्टेंस इंडिकेट किया है जिससे कि शॉर्टर टाइम में जो है वो जो कवर हो जाएगा डिस्टेंस, लार्जर डिस्टेंस जो है हम शॉर्ट टाइम में कवर कर लेंगे. दैट इज़ कॉल्ड स्पीड. द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर. सो कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ज़्यादा कौन, विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर. आप उसको कंपेयर करोगे कि इस ऑब्जेक्ट ने इतने मिनट्स में या इतने सेकंड्स में इतना डिस्टेंस कवर किया है,
एक टाइम मेजरमेंट ले लेते हैं, उसमें आप पता लगा सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट ने इतने मिनट में या इतने सेकंड्स में इतना डिस्टेंस कवर किया है और दूसरे ने इतना। सो उस तरीके से आप कंपेयर करके आप मेज़रमेंट कर सकते हो कि कौन से ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है और कौन से ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है। Now, if we know the distance covered by two buses in one hour, we can tell which one is faster. अगर हमने distance जो है वो covered किया है, दो bus ने distance cover किया है एक hour में, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी bus जो है वो fastly move कर रही है और कौन सी bus जो है वो slow move कर रही है। When we say that a car is moving with a speed of 50 kilometers. हम जब बोलते हैं कि जो कार है वो moving with a speed of 50 kilometers per hour. इसका मीनिंग ये होता है कि वो जो कार है पर आवर में 50 kilometers क्रॉस कर लेती है। इट implies that it will cover a distance of 50 kilometers in one hour. इसका मतलब ये होता है कि एक घंटे में उसने 50 kilometers जो है वो डिस्टेंस कवर कर लिया है। However, a car seldom moves with a constant speed for one hour. कॉन्स्टेंट स्पीड में कैसे एक घंटे से वो अगर मूव कर रही, इनफैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली देन पिक्स अप अ स्पीड। जब वो कार जो है वो स्लोली मूव करती है जब वो स्टार्ट होती है तब, और फिर धीरे 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 वो पिकअप करके उसकी स्पीड जो है वो पिकअप कर लेती है और फास्टली मूव करती है। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, वी यूजुअली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन वन आवर। हम ऐसा जनरली कहते हैं कि वो डिस्टेंस जो है उसने टोटल डिस्टेंस जो है वो वन आवर में कवर कर लिया है। वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विथ, हम उसे बॉदर नहीं कर रहे हैं कि मतलब हमें बॉदर नहीं होना पड़ता कि जैसे कार वो मूविंग हो रही है या नहीं हो रही कॉन्स्टेंट स्पीड में, और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर, या तो उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है या आवर में या उस आवर में वो जो है वो कितना मूव करी है। द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, जो एवरेज स्पीड होती है कार की उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दिस बुक वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड, सो फॉर अस द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। सो जैसे कि मैंने आपको बोला स्पीड का फॉर्मूला है इधर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, कितने मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है उससे हम स्पीड जो है वो मेज़र कर सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेज़र द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। हम ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हम ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसे मेज़र कर सकते हैं कि उसने कितना टाइम लिया है और कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। इन क्लास सिक्स यू लर्न हाउ टू मेज़र डिस्टेंसेस, क्लास सिक्स में आपने ये लर्न किया, ये सीखा है कि जो डिस्टेंस है वो कैसे मेज़र किया जाता है, बट हाउ डू वी मेज़र टाइम, अब हम टाइम को कैसे मेज़र करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। नाउ हियर इट इज़ 13.3 मेज़रमेंट ऑफ टाइम। इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, अगर आपके पास क्लॉक नहीं है, How would you decide what time of the day it is? अगर आपके पास क्लॉक नहीं है तो आप टाइम कैसे डिसाइड करोगे? Have you ever wondered how elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadows? आपने कभी ऐसा सोचा भी है कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे ancestors हैं, वो लोग shadows को देख के टाइम बता देते थे कि approximate time क्या हो रहा है। Now how do we measure time interval of a month? अब हम time interval जो है month का, year का हम कैसे measure कर सकते हैं? Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves definite intervals of time. Definite intervals जो time होते हैं उससे हम nature जो है वो वापस से जो events को repeat करती है। For example, they found that the sun rises every day in the morning. अगर उन्हें पता लगा है कि sun जो है वो हर रोज़ सुबह morning में rise होता है, the time between one sunrise and the next was called a day. और उसी दिन जब sunrise होता है उसे हम कहते हैं नेक्स्ट डे में, हम उसे कहते हैं कि वो डे हुआ। सिमिलरली मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम अ न्यू मून टू द नेक्स्ट मून, मून जो है न्यू नए मून से हम नेक्स्ट मंथ को ऐसे कवर कर सकते हैं। ईयर वाज फिक्स्ड एट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन, अर्थ का जो पूरा एक रिवॉल्यूशन कम्प्लीट हो जाता है उसे में पता चलता है कि ये ईयर जो है वो कम्प्लीट हो गया। जैसे कि हम जो सुबह मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हमें पता चलता है कि सनराइज़ हुआ है तो ये हमारा मॉर्निंग हो गया, सनसेट हुआ तो ये हमारी शाम हो गई, और आपको बिल्कुल भी सब स्काई आपका पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया तो वो नाइट टाइम है। फिर नेक्स्ट डे फिर से आपका मून राइज होगा तो फिर नेक्स्ट डे आपका सन राइज़ होगा तो आपको पता लगेगा कि ये हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग आ गया है। सो उसी तरीके से मून टू मून, न्यू मून टू न्यू मून हम पता लगा सकते हैं कि ये मंथ जो है हमारा कम्प्लीट हो गया है। और
अर्थ जो है हमारा पूरा सन के आसपास पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, तो उससे हमारा जो एक ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। जो टाइम इंटरवल्स होते हैं उसे भी हमें मेजर करना पड़ता है। क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। क्लॉक्स जो है वो मोस्ट कॉमन मेजरिंग डिवाइस है, टाइम मेजरिंग डिवाइस है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, कभी नोटिस किया है कि क्लॉक और वॉचेस कैसे मेजर करते हैं टाइम को? द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्स। जो वर्किंग है क्लॉक का वो कॉम्प्लेक्स है, बट ऑल ऑफ देम मेक यूज सेम पीरियडिक मोशन। सारे जो हैं सेम पीरियडिक मोशन यूज़ करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियडिक मोशन इज दैट अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम वाला जो मोशन होता है पीरियडिक मोशन। न वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक एंड हियर इट इज़ अ डिजिटल क्लॉक वी हैव। दिस इज़ अ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 146। नाउ यू कैन सी दिस इज सिंपल पेंडुलम एंड डिफरेंट पोजिशन एट द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। सिंपल पेंडुलम में एक बॉल होती है, मेटेलिक बॉल होती है जो कि स्टोन की तरह होती है और वो रिजिड स्टैंड के थ्रू थ्रेड के थ्रू ऐसे बंधी हुई होती है। द मेटेलिक बॉल कॉल्ड बॉब। जो मेटेलिक बॉल होता है उसे हम बॉब कहते हैं, बॉब ऑफ द पेंडुलम। नाउ हियर फिगर 13.4A शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मेन पोजिशन। पेंडुलम जो है वो रेस्ट पर है और उसकी मेन पोजिशन क्या है? व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड। जो बॉब है पेंडुलम का वो रिलीज होता है आफ्टर टेकिंग स्लाइटली टू वन साइड मूव करके, फिर वो फिर से रिलीज होता है। इट बिगिंस टू मूव टू टो एंड फ्रो। टू और फ्रो पे जब वो मूव करता है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक और ऑसिलेटरी मोशन। जो टू एंड फ्रो वाला जो मोशन होता है वो एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का। द पेंडुलम इज सेट टू हैव कम्प्लीटेड वन ऑसिलेशन। पेंडुलम जो है उससे हम पता लगा सकते हैं कि वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब। अगर एक ऑसिलेशन कम्प्लीट होता है तो बॉब जो है स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन ओ, बॉब जो है वो अपनी मेन पोजिशन से फिर से स्टार्ट करता है। ना मूव्स ए टू बी, सेंटर में रहता है फिर ए टू बी मूव करता है बार बार। नाउ बैक टू ओ। द पेंडुलम ऑल्सो कम्प्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन एंड ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन बी एंड कम बैक्स टू ए। मीन्स ए से मूव करता है, ओ तक जाता है, फिर बी में मूव करता है, फिर बी से ओ और ओ से ए। सो ऐसे उसका एक जो है ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और पेंडुलम के थ्रू जो एक ऑसिलेशन जो उसका जो रोटेशन है जो मूवमेंट है वो कंप्लीट होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। Now here it is 13.2 setup a simple pendulum as shown in figure 13.4 with a thread or string। आपको फिर से एक simple करना है pendulum को, मतलब एक metallic ball को उसे thread से आप tie up कर लो, किसी string से tie up कर लो 1 meter का। Now switch off fans nearby। आपको switch जो है आपके fans जो है आसपास उसे switch off करना है। Now let the bob of the pendulum come to the rest। अब उसे rest पर रखना है, at its mean position, उसके mean position पर रखना है। मेन पोजिशन मीन्स सिंपल एक स्ट्रेट पोजिशन हो उसमें रखना है। ना मार्क द पोजिशन ऑफ द बॉब। आपको पोजिशन जो है बॉब का उसे मार्क करना है। ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे मार्क करना है। बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट, या आप उसे वॉल पर भी मार्क कर सकते। टू मेजर द पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच। आपको अगर टाइम पीरियड मेजर करना है पेंडुलम का तो आपको उसके लिए स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ेगी। हाउएवर इफ़ अ स्टॉप वॉच इज़ नॉट अवेलेबल, अ टेबल क्लॉक और अ रिस्ट वॉच कैन बी यूज्ड। अगर आप स्टॉप वॉच अवेलेबल नहीं है तो आप टेबल क्लॉक यूज़ कर सकते हो, रिस्ट वॉच यूज़ कर सकते हो टू सेट द पेंडुलम इन मोशन। जैसे कि पेंडुलम जो है वो मोशन में रहे। जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली। आपको बॉब जो है वो उसे होल्ड करना है और धीरे धीरे स्लाइटली मूव करना है टू वन साइड। नाउ मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टॉट वेल डिस्प्लेसड। अब आपको स्ट्रिंग जो है वो अटैच रहे बॉब से जब आप उसे डिस्प्लेस कर रहे हो। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस पोजिशन। अब आपको उसे रिलीज करना है उसकी डिस्प्लेस पोजिशन से। नाउ रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज़ रिलीज्ड। जो बॉब है उसे फिर से पुश नहीं होना है जब वो रिलीज हो रहा था। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक। आपको टाइम नोट करना है क्लॉक का व्हेन द बॉब इज एट द मेन पोजिशन। जब बॉब जो है वो मेन पोजिशन पर आए तब, मतलब सेंटर पोजिशन पर आए तब।
इंस्टेड ऑफ द मेन पोजिशन यू मे नोट द टाइम वेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजिशन. आपको उसकी पोजिशन को जो है वो टाइम का जो पोजिशन है, जो बॉब का पोजिशन है वो नोट डाउन करना है. जो टाइम है वो आप मतलब आप उसे नोट डाउन कीजिए. व्हेन द बॉब इज एट वन एक्सट्रीम पोजिशन, जब वो उसकी एक्सट्रीम पोजिशन पर हो तब. नाउ मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, जब वो 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तब रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अब आप ये देखो कि उसके 20 ऑसिलेशन कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होते हैं. नाउ शो इज जस्ट अ सैम्पल. योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो दूसरे से डिफरेंट भी हो सकता है. रिपीट दिस एक्टिविटी फ्यू टाइम्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन. 20 ऑसिलेशन को आप टाइम से डिवाइड करेंगे, गेट द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन. 20 ऑसिलेशन को आप डिवाइड करेंगे और फिर आपको टाइम पीरियड जो है वन ऑसिलेशन कम्प्लीट होने में कितना टाइम लगेगा वो आपको पता चल जाएगा. इज़ द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस, अगर सारे ऑब्जर्वेशन में आपका जो टाइम पीरियड है वो सेम ही रहा. नोट दैट स्लाइट चेंज इन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम. कभी कभी डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज भी आ जाता है, छोटा सा स्लाइटली चेंज आ जाता है, तो उससे आपके टाइम पीरियड या पेंडुलम के मोशन में इफेक्ट नहीं होगा. नाउ इट इज़ मोस्ट क्लॉक्स और वॉचेस हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ वन और मोर. आजकल जो है सारे क्लॉक्स और वॉचेस का इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स का. दिस क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक्स और उसे हम क्वार्ट्ज क्लॉक्स कहते हैं. द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज़ मच मोर एक्यूरेट, जो क्वार्ट्ज के थ्रू क्वार्ट्ज क्लॉक्स के थ्रू जो मेज़र होता है वो एक्यूरेट होता है देन दैट बाय द क्लॉक्स अवेलेबल. जो हमारे पास में जो क्लॉक है उससे अवेलेबल जो है उससे ज़्यादा क्वार्ट्ज क्लॉक्स का एक्यूरेट टाइम पता चलता है. यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, जो बेसिक यूनिट है टाइम का वो सेकेंड है. इट्स सिम्बॉल इज एस और उसका सिम्बॉल जो है वो एस है. लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स, मीन्स मिन MIN एंड आर्स इज एच. यू ऑलरेडी नो हाउ दिस यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर. आप जानते ही हो कि ये सारे जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं. जो सेकेंड है वो एस और मिनट्स का MIN मिन, मीन्स 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू वन मिनट और 60 मिनट्स इज इक्वल टू वन आवर. What would be the basic unit of speed? Since the speed is distance time, the basic unit of speed is meter by second. Of course, it could also be expressed by meter means mean or kilometer per hour. You must remember that the symbols of all units are written in singular. For example, we write 50 kilometer, not 50 kilometers. हम हमेशा 50 kilometer लिखते हैं ना 50 kilometers. और 8 centimeters, not 8 centimeters. Bujo is wondering how many seconds are there in a day and how many hours in a year. Can you help him? Yes. Because we know that in a day we have 24 hours. In one day we have 24 hours. So by this we can calculate the throughout hours of the your year. Single year में कितने hours होते हैं, means 365 days से हम 24 को multiply करेंगे तो उससे हमारा answer आ जाएगा. So here is your page number 148, 13.4 measure speed. We are going to continue our next session. I hope this video will help you to learn at home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care.